हाँ फ्रेंड्स, मैं हूँ लोबोस। आप देख रहे हैं टेक्निकल लोबोस यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नया कंप्यूटर कैसे बिल्ड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पीसी बिल्ड करने के लिए आपको पहले लेना होगा मदरबोर्ड, रैम, प्रोसेसर, सीपीयू, फैन, हार्ड डिस्क, और आपको डीवीडी राइटर चाहिए तो डीवीडी राइटर भी लेना होगा। फ्रेंड्स देखिए, ये है हमारा मदरबोर्ड, ये है जो हमारा प्रोसेसर है, यहाँ पे हमको प्रोसेसर लगाना है। तो ये देखिए हमारा ये प्रोसेसर है, इसको इसमें कैसे लगाते हैं। तो इसको लगाने के लिए पहले हमें ये डंडी मिलती है, डंडी को ऐसे बाहर की ओर खींचना है और ऊपर कर देना है। देखिए बाहर की ओर खींचने के बाद, ऐसे ऊपर करने के बाद में आपको ये जो मिलता है इसको भी ऐसे ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद में हमको देखिए ये प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर में आपको ऐसा सीधा पकड़ लेना है। ये जो आपको निशान दिख रहा है ये नीचे की ओर होना चाहिए। ये देखिए, इसमें ये छेद है और इसमें ये डंडी है। इस डंडी और छेद को आपस में मैच करवा लेना है। मैच करवा लेने के बाद यह हमारा प्रोसेसर इसमें सेट हो गया। इसको आपको नीचे करना है और इसको भी नीचे करते समय बाहर की ओर खींचना है और अंदर की ओर ढकेल देना है। तो हमारा प्रोसेसर मदरबोर्ड में लग गया। सबसे पहले आपको प्रोसेसर जो है वो मदरबोर्ड में लगा लेना है, और बाद में जो थर्मल पेस्ट है वो थर्मल पेस्ट प्रोसेसर पे लगा लेना है। ये जो थर्मल पेस्ट है वो बाजार में आपको 100 रुपये से ऊपर के मिलेगी। तो ये देखिए, ये मेरे पास इंजेक्शन वाली थर्मल पेस्ट है। आपको यहाँ पे बीचों बीच यहाँ पे एक ये देना है, बूंद गिरा देनी है, बाद में इसे बंद करके रखना है। एक बूंद गिराने के बाद आपको यहाँ पे जो है आपका सीपीयू फैन अटैच करना है। सीपीयू फैन अटैच करने के बाद सीपीयू में फैन में जो पावर जाती है, यहाँ पे देखिए सीपीयू फैन लिखा होगा, यहाँ पे आपको ये जो प्लग है वो उसको अटैच करना है। उसको अटैच करने के लिए देखिए यहाँ पे जो डंडी है उसको इस छेद में लगा लेना है। इस प्रकार के से आपको यहाँ पे लगा लेना है, आपका जो सीपीयू फैन है वो मदरबोर्ड में अटैच हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो, ये है हमारा मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड में रैम क्या लगती है, रैम यहाँ लगती है जहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं दो लॉक दिख रहे हैं, इन दोनों पोर्ट में रैम लगती है। तो ये है हमारी रैम। इस रैम में जो छेद है ये देखिए, ये छेद, और यहाँ पे आपको एक डंडी मिल जाएंगी, उस डंडी में आपको इस छेद को फंसाना है। देखिए इसको ऐसा रखना है और इन दोनों लॉक को ऊपर करना है, और बाद में इसको जोर से प्रेस करना है। जोर से प्रेस करने के बाद में इसे बाद में फिर से लॉक करना है। देखिए अभी ये पूरी तरीके से फिक्स हो गई। देखो ये होता है सीपीयू कैबिनेट। इसमें आपको पहले ही SMPS लगा हुआ मिलेगा। आपको SMPS नया लगाना है तो आप लगा सकते हैं। SMPS नया लगाने के लिए आपको सिर्फ SMPS को जो छेद है और छेद को इस छेद पे मिला लेना है और स्क्रू पे टाइट कर देना है। SMPS लगाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे हार्ड डिस्क लगानी है। ये है हार्ड डिस्क, यहाँ पे जो छेद दिख रहे है इस छेद को इस डंडी के साथ मैच करवा लेना है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए एक छेद आ गया, आपको दूसरा छेद यहाँ पे दिख लेना है। ये देखिए दोनों छेद यहाँ पे आ गए। इस दोनों छेद में आपको स्क्रू लगा के टाइट करवा लेना है। देखिए मैंने पहले ही हार्ड डिस्क लगा के रखी है। ये देखिए ये है हार्ड डिस्क, मैंने पहले हार्ड डिस्क यहाँ पे लगा के रखी है, और यहाँ पे स्क्रू मैंने लगा रखा है, और ये जो है जो मैंने यहाँ पे सीडी ड्राइव लगा के रखा है, यहाँ पे भी स्क्रू लगा के आपको सीडी ड्राइव लगा लेना है। दोनों तरफ से आपको जो है स्क्रू लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ पे आपको दोनों तरफ से स्क्रू लगा देनी है। ये देखिए ये है सीपीयू कैबिनेट। यहाँ पे आपको डीवीडी राइटर लगाने के लिए स्पेशल स्लॉट मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने डीवीडी राइटर लगाया हुआ है। यहाँ पे आपको मदरबोर्ड लगा लेना है। यहाँ पे देखिए ये होल दिख रहा है, इस होल में आपको मदरबोर्ड के होल मैच करवा के आपको स्क्रू से टाइट करवा लेना है। ये है मदरबोर्ड, आपको यहाँ पे मदरबोर्ड रख लेना है, और यहाँ पे आपको बैक पैनल में आपको ये जो इसके स्लॉट से इसको मैच करवा लेना है। आप यहाँ पे जब होल मैच कराएंगे, यहाँ पे अंदर आप जब होल मैच करवाएंगे तब आपके जो ये स्लॉट्स मैच हो जाएंगे। देखिए मैंने पहला एक होल मैच करवा लिया है। देखिए ये मदरबोर्ड के जो होल है जब मैच हो जाएंगे तब आपको स्क्रू डाल के स्क्रू ड्राइवर से टाइट करवा लेना है। मदरबोर्ड लगाने के बाद आपको यहाँ पे पावर देने के लिए SMPS जो सबसे बड़ी वायर आती है, देखिए ये सबसे बड़ी वायर है, आपको यहाँ पे लगा देनी है। यहाँ पे लॉक है और यहाँ पे आपको लॉक हो जाएगा। तो ये पहले आपको यहाँ पे ऐसे दबा के लॉक करवा लेना है, और बाद में जो ये दूसरा है उसको ऐसे लगा लेना है।
बड़ी वायर लगाने के बाद अब देखो ये छोटी वायर है, इस वायर से आपको सीपीओ फैन में करंट जाता है। तो यह देखिए जब सीपीओ फैन लगा होगा इसके बाजू में ही आपको ये स्लॉट मिल जाएगा, इसको भी लॉक होता है। तो देखिए इसका लॉक यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ऐसे ठीक से लगा देना है। एमबे से जो वायर आती है ये आपको हार्ड डिस्क में लगा लेनी है, यहाँ पे ये जो बड़ा स्लॉट है यहाँ पे आपको लगा लेनी है, ऐसे आपको जो है लगा लेनी है। देखिए ये जो दूसरी वायर है यहाँ पे आपको जो है सीडी ड्राइव में लगा लेनी है। ये जो वायर है उसे साटा केबल बोलते हैं। साटा केबल कहाँ पे लगानी है? साटा केबल यहाँ पे लगानी है जहाँ पे आपको जो है हार्ड डिस्क को कनेक्ट करनी है छोटे पोर्ट में। और यहाँ पे आपको देखिए ये जो पोर्ट है बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे आपको जो है केबल कनेक्ट करवा लेनी है। कैसे जो सेकेंड साटा केबल है वो आपको जो है डीवीडी राइटर में लगा लेनी है ऐसी इस तरीके से। में जो फ्रंट पैनल से आपको ऑडियो और यूएसबी केबल आते हैं उसको कनेक्ट करना है। पहले हम करते हैं यूएसबी को कनेक्ट। यहाँ पे देखिए यूएसबी लिखा होगा, आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। ये जो छेद देख के आपको यहाँ पे कनेक्ट करवा लेना है। देखिए यहाँ पे जो है यूएसबी का मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इस तरीके से। सेकंड केबल है ऑडियो की, यहाँ पे आपको ऑडियो लिखा हुआ मिलेगा, आपको यहाँ पे लगा लेना है। ये देखिए ये पावर स्विच है, यहाँ पे आपको जो फ्रंट पैनल से आया हुआ पावर स्विच है यहाँ पे लगा लेना है। यहाँ पे फ्रंट पैनल लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पे आपको जो एक छेद में गुंडी नहीं दिख रही उसके बाजू में आपको ये लगा लेना है। पीछे जो रिसेट स्विच है उसके पीछे लगा लेना है। ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे आपने रिसेट स्विच लगाया उसके बाजू में आपको HHD LED लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ पे देखिए आपको जो पावर LED प्लस और माइनस का जो बटन दिख रहा है पहले आपको प्लस लगा लेना है पहले स्लॉट्स में। दूसरे स्लॉट में माइनस का लगा लेना है। तो इस तरीके से आपने देखा नया कंप्यूटर कैसे बिल्ड करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।